हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा ऑफिशियल। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे 9:40 हो रहे हैं, ये देखिए। तो आज संडे है तो वो लेट सो के उठे थे सब लोग, 8 बजे सो के तो उठे थे। उसके बाद 1 घंटा तो बाबू के साथ ही हम लोग मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ में। तो अभी चल रही, थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी पीऊंगी, ब्रश करूंगी, उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता बनाऊंगी। और गैस पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, वैसे तो बाबू के लिए दूध रखी हूँ, अपने लिए दूध रखी हूँ, और अपना पानी गर्म कर ली हूँ, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत गर्म पानी से ही होती है। तो हल्का सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना कुछ भी खाती पीती हूँ, मेरी ही आदत है। तो आज कुछ नाश्ते में अलग बनाएंगे और स्पेशल बनाएंगे, तो चलते हैं और बनाएंगे। और ये देखो मेरा गुनगुना पानी मैंने करके रखा है, और दूध गैस पर मैंने दूध चढ़ा दिया है, बाबू का मेरा दोनों का दूध चढ़ा दी हूँ, गर्म होता रहेगा। तो पहले चाय बना के दूंगी इनको पीने के लिए, चाय पी लेंगे, उसके बाद मेरा नाश्ता बनेगा। मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ। हल्की हल्की सी धूप हुई है और ठंडा सा मौसम है एकदम। सुबह उठती हूँ तो पहले मैं अपने आके विंडो पे ही बैठती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम वाम करती हूँ, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। दूध मेरा गर्म हो गया है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देखो यहाँ पे रखी हूँ बाबू के लिए मैं सेरेलेक्स, यहाँ पे रखी हूँ आलू बॉईल होने के लिए, और कल रात को मैंने साबूदाने भिगा के रखा था जो अच्छे से मेरा फूल चुका है। तो आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की बड़ी। यहाँ पे मेरा आलू बॉईल हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए मेरा टिकिया बन गया है, और मैंने थोड़ा टिकिया बना लिया है और अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो सोची थोड़ा सा बना के देती हूँ, ये खाते पीते रहेंगे, उसके बाद मैं अपना बनाती रहूँगी। और साबूदाना थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने भिगा दिया था, क्योंकि संडे का दिन था और काफ़ी टाइम से मुझे ये बोल रहे थे कि बना दो करके, तो मैं चलो आज संडे है आज तो बना देती हूँ, और ज़्यादा बनाती हूँ, ये अपना खाएंगे अच्छे से, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है साबूदाने की बड़ी।
और इस बार ना मेरा साबुदाने का वड़ी बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मेरा साबुदाना जब मैं रात को भिगा के रखी थी बहुत अच्छे से फूल गया था, जिसकी वजह से साबुदाने की वड़ी बहुत अच्छी बनी थी। और कभी कभी ना मैं बनाती थी मेरा साबुदाना की वड़ी चिपक जाती थी, बट इस बार ना एक भी चिपकी नहीं थी, क्योंकि मैंने इसका स्टार्टिंग में हाई फ्लेम करके मैंने थोड़ा इसको तल ली थी, उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पर अच्छे से पका रही थी। तो ये देखिए मेरा साबुदाने की वड़ी यहाँ पर बन गया है, अब मैं इनको दूंगी खाने के लिए। ये वड़े के साथ मैंने बनाई ये हरी चटनी, जिसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर ये सब डाल के मैंने पीसा है। मतलब मैंने नहीं पीसा है, ये पीसे हैं, क्योंकि मैं साबुदाने की वड़ी बनाई तब ये बोले लाओ मैं पीस देता हूँ, तो मैं इनको सब बताती गई कि ये सब डालना है, तो ये सब डाल के अपना ये पीस लिए हैं और मैं इनका प्लेट लगा दी हूँ। ये देखिए साबुदाने की वड़ी चटनी इनको दे रही हूँ मैं खाने के लिए, ये खाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। और ये खा चुके हैं, यहाँ पे मैं बैठी हूँ खाने के लिए, इनके प्लेट में मैं खा रही थी, सोची कि अभी क्या प्लेट में दूसरा लूँ, तो उसी प्लेट में खाने लगी। और सच में यार साबुदाने की वड़ी इतनी अच्छी बनी थी ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बनी थी साबुदाने की वड़ी, खाने में बहुत टेस्टी थी। शाम के 7 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग में मैंने बनाया था साबुदाने की वड़ी जो हम लोग खा के नाश्ता किए थे अपना। और उसके बाद में दोपहर के खाने में दाल चावल, मैं सिंपल से दाल चावल लगाई थी मैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता इतना हैवी हो गया था ना, फिर मन ही नहीं करा था कुछ खाने पीने का, तो फिर दाल चावल लगाई थी। फिर नहा के ना सब लोग सो गए थे, मतलब खा पी लिए थे, तो पता नहीं कि ठंडा मौसम होता है सोने का बड़ा मन करता है, तो बाबू उसको सुला रहा था, मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी सो गई वैसे ही। और उसके बाद 5 बजे उठे हैं, उठने के बाद थोड़ा सा मैं बाबू को लेके गई थी बाहर, थोड़ा ठेला वेला के लेके आई हूँ, अभी चल रही हूँ शाम के 7 बजे अब चल रही हूँ मैं। बनाऊंगी अंडा है तो अंडा राइस बना देती हूँ सिंपल सा, कुछ डालूंगी नहीं वैसे तो, मैं सिर्फ अंडा डालूंगी और चावल वही डाल के सिर्फ मैं फ्राई कर लूंगी, अभी कुछ डालने वाली नहीं हूँ क्योंकि खाने का इतना कुछ मन नहीं कर रहा है। तो ये बोले कि अंडा राइस बना दो, तो मैं सोच रही हूँ वही बना देती हूँ, तो वही बनाएंगे खाएंगे अपना। मैं आपको दिखाती हूँ बाबू को, मतलब उठा है ना तब से वो फोन लेके बैठा था मेरा, और फोन मुझे मिला है उससे, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाबू क्या कर रहा है। ये देखो बाबू मेरा पियानो बजा रहा है, मैं आपको बता रही थी ना उस दिन इसको पियानो मिल जाएगा ना, बहुत अच्छे से बजाता है। ओ बजाओ, बजा दो, टिंग 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 टिंग, हाँ बजाओ ऐसे बजाओ, ऐसे ऐसे बाबू ऐसे ऐसे, वाह बजाओ, चाय दे रहे हो, हम तो चाय पी ली, चाय हाँ चाय है, बजा दो। अभी मैं इनसे बात कर रही थी कि देखो ये बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं, मतलब संडे रहता है ना इनका, दिन भर इतने कॉल्स आते हैं ना कि अपना दिमाग खराब हो जाता है सुन सुन के। मतलब दोपहर में भी ना ऐसे मैं सोई तो थी बट इनका कॉल ना कंटिन्यू चालू था, मतलब एक फोन कट नहीं आता कि एक फोन आ रहा था, ऐसे हो जा रहा था। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं मेरी पायल टूट गई है, ये देखिए मैं गई थी नीचे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पायल टूट जाएगी मतलब गिर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था, बट बाहर तो नहीं गिरी, अच्छा हुआ गिरी नहीं, नहीं तो फिर शायद मिलता ध्यान ना जाता तो फिर कहीं गिर ही जाता, तो अच्छा हुआ बाहर नहीं गिरा। घर में आई तो ये देखो मेरा पायल अभी टूटा हुआ है, ये टूट गया, बीच में से टूट गया है, तो देखूंगी इसको मैं एक्सचेंज कर दूंगी, एक्सचेंज कर दूसरा पायल ले लूंगी, एक पैर पायल पहनी और ये एक पैर भी टूट गई है मेरी। काफी टाइम से मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छा बीच बीच में ना साड़ी वाड़ी पहनती हूँ ना तो बहुत फंसती है ये पायल, क्योंकि इसमें जो बीच बीच में लटकन लगा हुआ है ना इसकी वजह से पायल बहुत फंसती है साड़ी में, तो मुझे लगा है ना उसकी वजह से टूटा है ये, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए टूट ना जाए, तो आज ये फाइनली टूट भी गया, तो मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी टूट जाएगा बट टूट गया है ये, तो मैं ना जुड़वाऊंगी नहीं, क्योंकि इसको जुड़वा दूंगी ना फिर वही प्रॉब्लम होगा कि बार बार ये टूटेगा या फंसेगा, ऐसे ही होता है। और साड़ी मैंने बहुत ज्यादा फंसती नहीं, सारी साड़ियां ना खराब हो जाती है अगर पहनती हूँ ना, तो सब खींच मतलब जितनी भी धागे होते हैं ना सब खींच जाते हैं ये पायल की वजह से, तो मैं सोच इसको एक्सचेंज कर दूंगी, एक्सचेंज करके मैं दूसरी पायल लेके आऊंगी। तो अब मैं जल्दी बनाऊंगी खाना पीना, ये तो अभी भी अपने फोन पे ही लगे पड़े हैं, मतलब इनका बात खत्म ही नहीं होता है, संडे हो या मंडे डेली मुझे एक ही जैसा लगता है अभी इनका। तो ऐसे अंडा राइस बन गया है, ये देखिए सिर्फ मैंने चावल और अंडा डाला है इसमें, हरी मिर्च धनिया ये सब डाल के बनाई हूँ, वो सिंपल सा ही, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ अंडा राइस बनाई हूँ मैं, और अंडा राइस मैंने बना लिया है, अब चल रही हूँ मैं खाऊंगी और खा पी के हम लोग सोएंगे। और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।